ये इंडिया कैंप है, तेरे गांव का अखाड़ा नहीं। यहाँ प्लेयर मुल्क के लिए और रोजगार के लिए खेलते हैं। 8 साल पुरानी यारी है मेरा, आज तेरा, अतीत तेरा, फैसले यारियां सब पर तो तेरा ही हक है। मेरी जान तो मेरी रहने दे। तू इस कैंप के लायक नहीं। क्लैश की वजह से पड़ेगा गणपत की कमाई पर असर। कौन सी मूवी से क्लैश कर रही है टाइगर की गणपत मूवी? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज, और मैं आपकी होस्ट और दोस्त लीशा चोपड़ा सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ टाइगर को किससे खतरा। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी डिले हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। टाइगर श्रॉफ की मच अवेटेड मूवी गणपत, जिसके लिए उनके फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और ये फिल्म हमें 2 पार्ट्स में देखने को मिलेगी। और इस फिल्म के पहले पार्ट का बजट है 400 करोड़, और इस फिल्म को बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म बताई जा रही है। लेकिन इस फिल्म की कमाई की क्लैश वजह से तगड़ा झटका लग सकता है, और इन क्लैशेज में कुछ बड़ी बॉलीवुड की फिल्में हैं और कुछ हॉलीवुड की आइकॉनिक फिल्म्स भी हैं। तो चलिए एक बार नजर डालते हैं कि कौन कौन सी मूवीज हैं जिससे हो सकता है टाइगर की गणपत का क्लैश। तो इससे पहले मैं आप लोगों को फिल्म्स के नाम बताऊं, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूं कि कोई भी मूवी जो थिएटर में रिलीज होती है, मैक्सिमम वो मूवी हमें थिएटर के अंदर 1 महीने तक देखने को मिलती है। और मूवी के थिएटर में आने के बाद डिपेंड ये करता है कि मूवी कितने हिट जा रही है। अगर मूवी लोगों को ज़्यादा पसंद आती है तो वो मूवी थिएटर में ज़्यादा दिनों तक रहती है। और ऐसा ही कुछ हुआ था हीरोपंती 2 के टाइम पर। मतलब हीरोपंती 2 के रिलीज होने से पहले KGF चैप्टर 2 रिलीज हुई थी, और जहाँ तक मुझे याद है KGF 2 लगभग 2 महीने थिएटर्स में थी, और वो एक आइकॉनिक मूवी थी तो उसे लोगों ने ज़्यादा पसंद किया था। इसीलिए मैं आप लोगों को नवंबर और दिसंबर मंथ की कुछ बड़ी मूवीज के बारे में बताने वाली हूँ। कौन सी बॉलीवुड, हॉलीवुड और टॉलीवुड की मूवीज जो कि टाइगर की गणपत के साथ क्लैश कर सकती है। और मेरे मुताबिक गणपत मूवी लोगों को बहुत पसंद आएगी, इसीलिए ये मूवी हमें जनवरी 2023 में भी थिएटर में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले नाम आता है शहजादा मूवी, जो 4 नवंबर को रिलीज हो रही है, जिसके लीड करेक्टर में कार्तिक आर्यन नजर आने वाले हैं। इसके बाद 11th नंबर को रॉकेट गैंग और योद्धा मूवी रिलीज होने वाली है, और योद्धा मूवी के अंदर हमें सिद्धार्थ मल्होत्रा लीड रोल में देखेंगे। अब इसके बाद 18 नवंबर को दृश्यम 2 देखने को मिलेगी, जो दृश्यम मूवी का 2nd पार्ट होगा, और इसके लीड रोल में एक बार फिर हमें अजय देवगन देखने को मिलने वाले हैं। अब आते हैं हॉलीवुड की कुछ बड़ी मूवीज पर। 2009 में आई थी अवतार, और इस मूवी का वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड है कि इस मूवी ने दुनिया में सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है, जो है $2.85 बिलियन। अगर आपको पता नहीं हो तो बता दूं कि एवेंजर्स एंड गेम, जो 2019 में रिलीज हुई थी, वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की लिस्ट में अभी भी 2nd नंबर पर है। और अब अवतार का 2nd पार्ट आने वाला है, वो भी गणपत पार्ट 1 से कुछ ही दिनों पहले 16 दिसंबर को अवतार 2 को इंडिया की सारी स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा। इसीलिए गणपत को सबसे बड़ा खतरा तो अवतार से ही है, और अवतार 2 के जस्ट बाद रिलीज हो रही है शहजाम 2 21 दिसंबर को, और फिर 23 दिसंबर को 3 मूवीज रिलीज हो रही हैं, गणपत पार्ट 1, सर्कस और मैरी क्रिसमस। उसके बाद 30 दिसंबर को बॉलीवुड के भाईजान की मूवी भाईजान मूवी आने वाली है, और इसके बाद 12 जनवरी को आदि पुरुष फिल्म रिलीज होने वाली है, जिसमें हमें लीड रोल में प्रभास नजर आएंगे। और फिर फाइनली 25 जनवरी को शाहरुख खान की पठान रिलीज होने जा रही है, और ये 4 साल बाद पहली फिल्म है शाहरुख खान की। अब आपको क्या लगता है इनमें से कौन सी फिल्म है गणपत के लिए सबसे बड़ा खतरा? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिए।